के रूप में आपके बीच में मैं पहली बार आ रहा हूँ और अभी तक मैं जितनी सभाओं में गया हूँ, वैसे तो सारी सभाओं में भारतीय जनता पार्टी को लेकर काफी जोश है, लेकिन जितना जोश मैंने यहाँ पर देखा ये सर्वाधिक था। और आप लोगों की संख्या और आप लोगों के जोश को देखकर मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, 4 तारीख को कमल के फूल वाला बटन इतना दबने वाला है, इतना दबने वाला है कि शाम होते होते वो बटन ही अंदर चला जाएगा। और जब अजित भाई तुम चुपका मत करो, ये उत्तराखंड के लोग यहाँ पर बहुत हैं, बहुत आया उसमें, और उत्तराखंड के लोग बहुत राष्ट्रवादी होते हैं, जहां चल देते हैं वहां खड़े रहते हैं। और आपको पता है मेहनती है, परिश्रमी है, ईमानदार है। और उत्तराखंड में इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री यहां मोदी जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में उत्तराखंड की जनता ने उत्तराखंड में पहली बार 22 सालों में पहली बार एक मिथक तोड़ने का काम किया। एक जो परिपाटी चली आ रही थी, जो रिवाज चला आ रहा था, एक बार इस पार्टी की सरकार बनती, एक बार उस पार्टी की सरकार बनती, इस बार भाइयों बहनों उत्तराखंड के अंदर नया इतिहास और मिथक तोड़ने का काम देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहा है। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अमित जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि हम लोग जब चुनाव में गए थे तो चुनाव में मैं जहां भी गया उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के बीच में मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा एक तरफ मोदी जी हैं, उनके साथ हम लोग हैं, उनके नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में काम करने वाली टीम है, विश्वव्यापी मोदी जी के रूप में हमारे पास नेतृत्व है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में। और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करते हैं, केवल और केवल लोगों को भरमाने का काम करते हैं, लोगों के साथ झूठ बोलने का काम करते हैं, लोगों के साथ फरेब करने का काम करते हैं, लोगों के साथ गुंडागर्दी करने का काम करते हैं। अभी अनिल त्यागी जी बोल रहे थे इनको नाम पूरी तरह से, ये इनको नेगी नाम था, वो भाई नेगी, दिलवर नेगी नाम था उसका, जिसके साथ वहां के सभासद ने किस प्रकार से उनकी हत्या की गई थी, किस प्रकार का घिनौना कृत्य हुआ था इसी दिल्ली में, दिल्ली के दंगों में हम सब लोगों ने देखा भाई बहनों। उत्तराखंड के अंदर भी हम कह रहे थे कि एक तरफ काम करने वाले लोग हैं, एक तरफ केवल कारनामे करने वाले लोग हैं। आज आप देख रहे होंगे दिल्ली के अंदर किस प्रकार से कारनामे हो रहे हैं, कहीं मंत्री जेल में, जेल के अंदर भी उन्होंने लोगों को ठगने वाला एक कारखाना खोल रखा है। वो कौन है जो सबसे बड़ा ठग है? महा ठग को भी ठगने का काम अगर किसी पार्टी के लोग कर रहे हैं तो आपकी और हमारी तो क्या, उनके सामने क्या है? दिल्ली की भोली भाली जनता को ठगने का लगातार काम उनके माध्यम से हो रहा है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा जहां मोदी जी के नेतृत्व में लगातार पूरे देश के अंदर करोड़ों करोड़ों की संख्या में मकान देने का काम हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना मोदी जी ने पूरे देश के अंदर चलाई थी, लेकिन दिल्ली के अंदर उस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उत्तराखंड के अंदर 6 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों ने उस आयुष्मान भारत योजना से उत्तराखंड के देश के अच्छे अच्छे अस्पतालों में अपना इलाज करवाया है। भारत सरकार ने उसको लागू नहीं किया। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना चाहे शहरी क्षेत्रों चाहे ग्रामीण क्षेत्रों, सारे क्षेत्रों में लागू है, लाखों की संख्या में घर मिल रहे हैं, हर बेघर को मकान मिल रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर वो भी नहीं मिल रहा है।
दिल्ली के अंदर पिछले दिनों 3024 मकान देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया भाई बहनों, और हर घर को हर किसी को पक्का मकान देने का संकल्प लिया है हमारी पार्टी ने। हर किसी के घर में जल्द से जल्द पहुंचाने का संकल्प लिया है। हर किसी का शौचालय बनाने का संकल्प लिया है। इतना ही नहीं, अभी कोरोना महामारी में जहां पूरी दुनिया सोच रही थी कि कोरोना महामारी भारत के अंदर आएगी तो भारत का क्या होगा, भारत कैसे अपने पैरों पर खड़ा होगा, भारत पूरी दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा, भारत को संभालना मुश्किल हो जाएगा, इतनी बुरी तरह से बीमारी फैल जाएगी। ऐसे कठिन समय में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को व्यवस्थित करने का काम किया। और इतना ही नहीं, एक वैक्सीन नहीं भाइयों बहनों, दो वैक्सीन नहीं, तीन तीन वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम किसी ने किया तो हमारे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, आप जरा वो समय भी याद करिए जब वैक्सीन नहीं आई थी तो कैसा भय का वातावरण पैदा हो गया था। अगर वैक्सीन नहीं आई होती तो क्या हम लोग यहां पर रैली में आए होते? बताइए जरा, आप लोग रैली में आए होते क्या वैक्सीन नहीं लगी होती? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको वैक्सीन नहीं लगी है? यहां पर जितने लोग आए सबको वैक्सीन लगी है ना? एक भी नहीं छोड़ा। अच्छा, सबको लगी है क्या? तीन तीन नहीं, जिन जिन को लगती है जरा हाथ खड़ा कर दीजिए एक बार। सभी को लग गई है, सभी को मुफ्त में लगी है ना? किसी से पैसा तो नहीं लिया गया, शुल्क तो नहीं लिया गया किसी से? बताइए, हाथ उठा के बताइए अगर लगी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाइयों बहनों, सभी को निशान वैक्सीन लगाई है। इतना ही नहीं, अनिल भाई जो गरीब थे, रिक्शा चलाने वाले थे, टांगा चलाने वाले थे, इसके साथ साथ छोटी दुकान चलाने वाले थे, मजदूरी करने वाले थे, उनका कारोबार बंद हो गया। तो ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में जो काम करना था वह तो किया ही किया। जैसे घर के माता पिता अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, पूरे हिंदुस्तान के पूरे देशवासियों का उनकी चिंता करने का काम कि किसी को भूखे पेट न सोना पड़े, किसी के घर का चूल्हा न बुझे, हर किसी को दो टाइम का खाना मिलता रहे, उसकी भी व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी ने की और 5 किलो अनाज प्रत्येक यूनिट के हिसाब से देने का काम किया। भाइयों बहनों, आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया में बढ़ा है, भारत की पहचान पूरी दुनिया में बढ़ी है। आपने देखा होगा, अगर आप कोई दुश्मन भारत के ऊपर हमला करता है तो भारत की सेना जहां उसको मुंहतोड़ जवाब देती है, और मुंहतोड़ जवाब यही नहीं देती है बल्कि दुश्मन को दुश्मन के घर में घुसकर मारने का काम करती है। यह मोदी जी का नेतृत्व। और इतना ही नहीं, पहले के समय में अगर मैं उत्तराखंड देवभूमि से हूं, उत्तराखंड के अंदर प्रत्येक परिवार से सेना में कोई ना कोई अपनी सेवाएं देता है। हर परिवार से किसी का बेटा है, किसी का भांजा है, किसी का भतीजा है, किसी के चाचा है, ताऊ है, कोई ना कोई सेना में कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर सेवा दे रहा है। भाइयों बहनों, हमने नजदीक से देखा है, सीमा पर जब लड़ाई लगती है, उस समय लड़ाई लगती थी, कोई गोली आती थी, हमारे किसी सैनिक को गोली लग जाती थी तो उस गोली का जवाब देने के लिए पूछना पड़ता था कि गोली का जवाब देना है कि नहीं देना है। कई दिन लग जाते थे पर जवाब नहीं आता था। भाइयों बहनों, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने तय किया कि अगर अब गोली आएगी तो उसका जवाब किसी से पूछना नहीं पड़ेगा बल्कि गोली का जवाब गोलों से देने का काम होगा। और आज हमने गलवान की घाटी में देखा, अभी भारत चीन की 1962 में युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद एक विरासत में हमको मिला संदेह
कि पाकिस्तान की बॉर्डर पर लड़ाई होगी तो हमारी सेना जीत जाएगी। हमारा जोश बढ़ता था, हमारे अंदर उत्साह और ऊर्जा दोनों रहती थी। लेकिन अगर चीन के बॉर्डर पर लड़ाई होगी तो क्या होगा? मैं एक सैनिक का बेटा हूं, मैंने देखा है, मैंने नजदीक से महसूस किया, बचपन से लड़ाई लड़ते हुए देखा है, तो मन में संदेह होता था। लेकिन इस संदेह को भी दूर करने का काम हमारे देश के उन 20 शहीदों ने किया जिन्होंने गलवान की घाटी में चीन की सेना के दांत खट्टे कर दिए, क्योंकि हमारे पास भाई बहनों आज कोई क्षेत्र हम देखें, आप कश्मीर को बचाने के लिए देश के अंदर 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी शहादत दे दी, 40,000 से भी ज्यादा लोग उस कश्मीर में शहीद हो गए, और सब इंतजार करते रहे कि कश्मीर के अंदर से दो विधान, दो निशान और दो प्रधान, ये कब बदलेगा? दिल्ली में अलग निशान, दिल्ली में हमारा तिरंगा फहरता था, वहां अलग तिरंगा फहरता था, यहां हमारे प्रधानमंत्री होते थे, वहां कश्मीर में दूसरे प्रधानमंत्री होते थे, यहां का हमारा संविधान चलता था, वहां दूसरा विधान चलता था। भाई और बहनों वहां की धारा 370 के कारण से ये दो व्यवस्थाएं एक देश के अंदर चलती थी, इस देश के अंदर कश्मीर को एक व्यवस्था मांग लाने का काम, एक विधान, एक निशान और एक प्रधान के अंदर लाने का काम भी किसी ने किया तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नितिन कुमार त्यागी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बाबा केदार की भूमि आप सबको याद होगा, 2013 में आपदा आ गई और आपदा में पूरा बाबा केदार का जो परिसर था वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। भाइयों बहनों उस बाबा केदार को भी भव्य केदार और दिव्य केदार का बनाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों बाबा बद्री विशाल जिन पर पूरे विश्व की आस्था है, वहां भी मास्टर प्लान बनाने का काम, इतना ही नहीं केदारनाथ में आने वाले समय में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रोप वे का भी शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर्तव्यों से संपन्न हो चुका है। इतना ही नहीं हमारे सिखों के जो बहुत बड़ा हमारा जो स्थान है हेमकुंड साहब, हेमकुंड साहब जाने के लिए वह भी जो 16 किलोमीटर की कठिन यात्रा करनी पड़ती थी, बड़े बुजुर्गों के लिए तो वह यात्रा अत्यंत कठिन होती थी, जो अस्वस्थ है उनके लिए और कठिन होती थी, उस यात्रा को भी आने वाले सालों में बहुत सरल करने का मार्ग माननीय प्रधानमंत्री जी ने हेमकुंड गोविंद घाट से हेमकुंड साहब का जो रोपवे है उसका भी शिलान्यास कर दिया। भाइयों बहनों हमारे जितने धार्मिक स्थल हैं उन सब धार्मिक स्थलों को जाने के लिए ऑल वेदर चार धाम परियोजना चल रही है, आने वाले समय में आपको यहां से देहरादून जाने के लिए, यहां से ऋषिकेश जाने के लिए, यहां से हरिद्वार जाने के लिए आप केवल 2 घंटे में यहां की यात्रा पूरी कर पाएंगे, 2 घंटे में। हमारे जितने धार्मिक स्थल हैं उनके उत्थान का कोई समय आया है कि मोदी जी के कालखंड में आया है? भाई और बहनों मैं अयोध्या गया था 1999 में, तब मैंने देखा कि भगवान राम लला वहां टेंट के अंदर है और लंबे समय से हम नारा लगाते हैं कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। लंबा कालखंड बीत गया लेकिन भगवान राम के जन्म स्थान पर राम लला का मंदिर नहीं बन पाया। भाई बहनों ये जो हमारा सपना था, हमारा जो ये नारा था, जो हमारे मंत्र थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, इसको भी साक्षात रूप से धरातल पर उतारने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल राम भक्त नरेंद्र मोदी जी ने किया है। काशी के अंदर बाबा विश्वनाथ का परिसर, आप गंगा जी से जल लाकर सीधे सीधे भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित कर सकते हैं,
एक सकरा सा रास्ता होता था, उसको भी भव्य काशी और दिव्य काशी बनाने का काम किसी ने किया है तो भारत माँ के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। अभी अभी हमने देखा महाकाल, उज्जैन की नदी महाकाल में, महाकाल लोग अलौकिक रूप से बनाने का काम, देश की जनता को समर्पित करने का काम भी मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाई बहनों, आज मैं बहुत सारी, अभी इसके बाद मेरे को और भी चार पांच कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए मैं बोलना बहुत चाहता था। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, मेरे मन में बहुत सारी बातें जो मैं आपके सामने रखूं, पर मुझे लगता है कि अगर मैं घंटों तक भी बोलूंगा तो मेरी बात पूरी नहीं होगी। लेकिन मैं आपसे देवभूमि से आया हूं और देवभूमि के लोग हमेशा राष्ट्रवाद के साथ चले हैं, हमेशा उन्होंने जहां भी है ईमानदारी से काम किया है, उन्होंने हमेशा परिश्रम किया है और हमेशा सच्चे और अच्छे लोगों का साथ दिया है। भाइयों बहनों, हमारी पार्टी ने अनिल त्यागी जी को यहां से खड़ा किया है और मैं भाई अनिल त्यागी के लिए आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि 4 तारीख को प्रातःकाल सबसे पहले उठकर सब लोगों ने कमल के फूल वाला बटन एक तरफा दबाना है और जब सात तारीख को जब परिणाम आए, लोग कहेंगे कि 12 बजे परिणाम निकलने वाला है। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बुराड़ी वार्ड का ये जो परिणाम है 6 नंबर का, वार्ड नंबर 6 बुराड़ी का ये परिणाम है, इसके लिए 12 बजे तक का इंतजार मत करवाना। आप लोग 10 बजे ही एक तरफा रिजल्ट घोषित कर देना। मैं इतना ही आप सबसे निवेदन करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। पुनः एक बार आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आप सबका बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।